कैसे हैं आप लोग जरूर कमेंट्स करना। होप्स आप लोग बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की डे वाय आज की रेसिपी बहुत ही यूजफुल होने वाली है अगर आपके बाल बेजान हैं, झड़ते हैं, बाल रूखे हैं और प्रीमैच्योर ग्रे हेयर हैं। ये ऑयल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है और रिसेंटली मैंने ये ऑयल बनाने का ट्रस्ट मी गाइस मैंने देखा कि माधुरी दीक्षित जी, हाँ माधुरी दीक्षित भी ऐसे ही अप्लाई करती है ऑयल बना के, तो आई एम टोटली सरप्राइज सीरियसली। सो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना फ्रेंड इस ऑयल को लगाने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। तो आप देख सकते मेरे बाल इतने लंबे कहीं कभी भी नहीं थे, मेरे बाल भी लंबे हो रहे हैं और मैं इसे 1 वीक से यूज कर रही हूँ और 1 वीक में आप देखो कि आपके बाल अच्छे खासे लंबे होंगे, मजबूत होंगे, हेल्दी होंगे, शाइनिंग होंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा यू नो रिजल्ट मिला है। तो इसे इसी तरह से बनाना है, अप्लाई करना है, स्काल्फ में अच्छी तरह से मसाज करना है और दैट्स इट, ओवरनाइट छोड़ देना है, सुबह वॉश कर लेना है आप लोग को। अगर आपको स्मेल आती है बहुत अनियंस की तो इस ऑयल में अगर इस तरह से बनाओगे ना आपको कुछ भी स्मेल नहीं आती, ट्रस्ट मी गाइस आपको इसी तरह से बना के अप्लाई करना है। एंड आई एम सो हैप्पी टू यू नो शेयर दिस वीडियो टू यू एंड टू माई यूट्यूब फैमिली। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाना है, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिया फ्रेश एलोवेरा प्लांट्स और इसे आपको फ्रेश ही लेना है तो ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसे देखिए मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे पीसेस में काट लिया है कुछ इस तरह से। और जैसे कि मैं बता दूँ फ्रेंड्स एलोवेरा जो होता है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे बालों में। स्कैल्फ में मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे हमारे बाल मजबूत बन जाते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है अनियन, 2 अनियन लिया है मैंने। अनियन में जैसे कि प्याज इसके रस में जो होता है सल्फर पाया जाता है जो हमारे बालों का टूटना, बालों का पतला होना उस सबको कम करता है। प्याज के रस में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे स्कैल्फ में जो इचिंग प्रॉब्लम होती है उससे भी मदद करता है। और प्याज का रस बालों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑयल लिया है मैंने नारियल का तेल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ लिया नारियल का तेल और उसमें मैंने एलोवेरा जो कटिंग करके रख लिया था वो ऐड कर देंगे और प्याज। इसे अच्छी तरह से स्लो फ्लेम में आपको पका लेना है, इसको जलाना नहीं है, स्लो फ्लेम में इसी तरह से आपको 10 से 15 मिनट्स लग जाते हैं इसे स्टर करते हुए जाना है जब तक ये पूरा ऑयल में इन्फ्यूज ना हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच मेथी पाउडर। जी हाँ, जैसे आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि मेथी में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो हमारे बालों के लिए एक कहते हैं ना एक खाना है, प्रॉपर खाना। तो मेथी बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट देती है, हमारे बालों को स्वस्थ मजबूत बनाए रखती है। और देखिए ये ऑयल बनके रेडी हो गया, इसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, आपको ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे ऐसे ही रख देने। और इसे अच्छे से मैंने यहाँ पर छान लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जब भी आपको यू नो मसाज करना है तब इसे कांच के कंटेनर में भरना है आपको, और जब भी आपको ऑयलिंग करना है ना उस टाइम आपको अच्छे से इसे लुकवार्म कर लेना है और उसके बाद अपने स्कैल्फ में अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। ओवरनाइट अगर आप मसाज करोगे ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप खुद देख सकते हो फ्रेंड्स कि रातों रात आपके 1 से 3 इंच आपके बाल लंबे मिलेंगे। जी हाँ, ये ऑयल बहुत ही अच्छा है और हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपके बाल अगर बहुत झड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसे ज़रूर ज़रूर यूज़ करना। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी है इसे बनाना और इसे जरूर अप्लाई करना। मैं गारंटी देती हूँ आपको 5 लाख% कि आप इस तरह से ऑयल लगाना शुरू करोगे ना फ्रेंड्स महंगे से महंगा ऑयल सीरम सब भूल जाओगे। आपको अप्लाई करना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा झड़ते हुए बालों से परेशान हो और आपके बाल बढ़ते नहीं है तो ये ऑयल जरूर बना के ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ। बाय, हैव अ नाइस डे।